भारत आनलकर तृतीयतो दिन आरम्भ हल लगे लगे परिवेश परिस्थिति क्रमात स्वाभाविक हो पड़े नतुन दिल्ली पूर्णगतित गाड़ी चलिसे भिन्न प्रांत अटो रिक्सा सेवा आरम्भ हुई सको स्वाभाविक चेष्टा चलाइए सरकार यार लगे लगे कोरोना आक्रांत संख्याओ दिनक दिन बृद्धि पाने आरम्भ कर 24 ঘণ্টাত দেশত নতুনকৈ 8909টা কৰোনা কেছ 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 217 এই পৰ্যন্ত দেশত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 5815 ভাৰতত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে 2 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে হিয়া যথেষ্ট উদ্বেগজনক কথা অবশ্যে ভাল খবর এই যে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা 2 লাখ লৈ বৃদ্ধি পাইছে দিলু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6000ৰ তলত আছে এতিয়া লকডাউন কাৰ্যত খুলি দিয়াৰ লগে লগে পৰিবেশ পৰিস্থিতি আৰু বিষম হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে চিকিৎসকসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আনলক হৈ যোৱাৰ অৰ্থ এটো নহয় যে আমি সকলো করোনাৰ পৰা মুক্ত হলো আনলক হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৰু অধিক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে सामाजिक दूरत मानि चला हेण्ड सेनिटाइजार व्यवहार कर मुख मास्क परिधान अतिको बाध्यतमूलक चिकित्सक दावी कर चिकित्सक मते आगंतुक दूटा सप्ताह भारत जथेष प्रत्याहानमूलक हम स्थिति तो इस समय हमारे देश में गंभीर है हम उस स्टेज में हैं जहां केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है नेशनल लेवल पे भी और दिल्ली मुंबई अहमदाबाद ये तीन तो सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं अब दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1200 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं यह एक बहुत बड़ा नंबर है और उससे ज़्यादा डरने वाली बात है कि अगर आप पिछले 10 दिन का आंकड़ा देखें तो नेशनल लेवल पे भी और दिल्ली के लेवल पे और बॉम्बे लेवल पे जो डेली इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज में भी रोज इंक्रीज हो रहा है तो हम रोज बढ़ रहे हैं और रोज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति का मानना है कि हमारा पीक अभी कई हफ्तों दूर है तो अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें कि जून एंड तक तो डेफिनेटली स्थिति कहां तक जा सकती है उसके बारे में सोच के डर जरूर लगता है और उस डर के साथ ही मैं इस डर का जो आगे समाधान और जो कुछ हम कर सकते हैं उसके बारे में रीस्ट्रेस करना चाहूँगा देखिए संख्या को कंट्रोल करने के लिए जो भी सरकार कदम उठा रही है वो तो उठा रही है बट मेरे ख्याल से इस समय जनता का बहुत ज़बरदस्त योगदान होगा कि अगले 3-4 हफ्ते में देश किस दिशा में जाता है अब ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शंस उठा लिए गए हैं हम ओपन हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है लोगों के मन में टेंडेंसी ये आ रही है कि ओ अब तो लॉकडाउन उठ गया अब हम बैक टू नॉर्मल जा सकते हैं जबकि वास्तविकता उससे बहुत दूर है प्रश्न हुई भारत कोरोना आक्रांत संख्या 2 लाख अतिक्रम कर लकडाउन मजत कोरोना आक्रांत संख्या क्रम बृद्धि पालेगे के यारो व्याख्या आगरा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रणालय फल देश व्यापक हार कोरोना परीक्षा 24 घंटा देश 1,37,158 टेस्ट यह पर्यत देश 41,03,233 कोरोना टेस्ट देखिए डेफिनेटली हिंदुस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े जा रहे हैं 2 लाख से ऊपर हो गए हैं केसेस लेकिन जिस तरह से हम वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग कर रहे हैं कि अब हिंदुस्तान 9वीं पोजीशन पे आ गया या 8वीं पोजीशन पे आ गया मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ की है और अगर बाकी मुल्क देखे जाएँ तो कोई 6 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है यूके की 7 करोड़ की पॉपुलेशन है इटली की 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है अगर इसके साथ में हम कंपेयर करके इसको लाइन में लाएं तो हमारे को पॉपुलेशन को भी देखना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं कि ईरान को भी बीच में ले रहे हैं हिंदुस्तान को भी ले रहे हैं अमेरिका को भी ले रहे हैं जिसकी की पॉपुलेशन 30 करोड़ है तो उन सबको लेके फिर हम आंकड़ा लगा रहे हैं और हिंदुस्तान को 7वें नंबर पर ला के खड़ा कर रहे हैं लेकिन अगर हम कंपेयर करें हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को मद्देनज़र में रखते हुए तो शायद हिंदुस्तान 9वीं 10वीं पोजीशन के ऊपर नहीं आएगा एक चीज़ तो यह है दूसरा डेफिनेटली आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये हल्की सी चिंता की बात है और थोड़े से आंकड़े इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर दी है दूसरा थोड़ा सा जैसे जैसे लॉकडाउन के नियम थोड़े खुलेंगे तो आंकड़े बढ़ने की उम्मीद थी ही वो बढ़ भी रहे हैं लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि हिंदुस्तान में जो केस फेटलिटी रेट है
यानी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है, वो अभी भी जो है 2.82 के करीब है, और हमारी सरकार ने तो ये कहा है कि ये सबसे कम है विश्व के अंदर। अगर हम अमेरिका की बात करें तो केस फैटलिटी रेट 6% के करीब है, तो हमारे इधर सिर्फ 2.82 का केस फैटलिटी रेट है, जो कि काफ़ी कम है। দেশত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও মূলত এই করোনা শহরকে দিক হয়েছে, মূল শহর সমত এইবর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতিয়াও গ্রাম্যাঞ্চল করোনা সংক্রমিত হওয়া নাই। অবশ্যে একাংশ বিশেষজ্ঞর মতে গ্রাম্যাঞ্চল করোনা সংক্রমিত হয়েছে যদিও তার সঠিক তথ্য সরকারের হাতত নাই। চিকিৎসালয়ের অভাব তথা জ্ঞানহীনতার বাবে গ্রাম্যাঞ্চল বহু লোকের মৃত্যু ঘটিলেও যে প্রকৃততে করোনা আক্রান্ত হয় সেয়া প্রমাণিত করবা হওয়া নাই। গ্রাম্যাঞ্চল করোনা এতিয়াও সংক্রামিত হওয়া নাই। দেশের বাবে এয়া যথেষ্ট ভাল খবর। গ্রাম্যাঞ্চল করোনা সংক্রমিত হলে দেশের পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার সম্ভাবনা। রুরাল এরিয়া মে আগে ফেলেগা তো কাফি সমস্যা আ সকতি হ্যাঁ, লেকিন রুরাল এরিয়া কি জায়গা মেট্রোস কে অন্দর ফেলনে কি জ্যাদা সম্ভাবনা রহতি হ্যায়। আপ ইয়ে দেখিয়ে বিশ্ব মে জহাঁ পর ভি ফেলা হ্যায় ওহাঁ পর পপুলেশন বহুত জ্যাদা হ্যায়, চাহে ও নিউইয়র্ক লে লিজিয়ে, মুম্বাই লে লিজিয়ে, দিল্লি লে লিজিয়ে, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के बड़े कम चांसेस हैं, मतलब जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती है, या जहाँ पर लोगों को भीड़ का जमावड़ा बहुत है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर ये ह्यूमन इंटरेक्शन से बहुत तेज़ी से पनपता है। तो रूरल एरिया में डेफिनेटली अगर पनपता है तो और ज़्यादा, क्योंकि 65-70% आबादी तो हमारी रूरल इंडिया में ही रहती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेट्रोज की प्रॉब्लम और ज़्यादा संगीन। ভারতত এতিয়া দৈনিক প্রায় 9,000-10,000 করোনা কেস আহিছে। যদি এইটু গতিত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা চলি থাকে তেনহলে আগন্তুক এটা সপ্তাহের ভিতর দেশত করোনা আক্রান্তর সংখ্যায় 2,50,000 অতিক্রম যে করব সেই কথা নিশ্চিত। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বের অন্যান্য দেশত করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যদিও সেইবর দেশের জনসংখ্যা ভারতের তুলনায় যথেষ্ট কম। ব্যুরো রিপোর্ট, DY365।